सब्सक्राइब करें MKBTech चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस करें इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MKBTech चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मीशो ऐप में अगर आप कुछ आइटम परचेस किए हैं उसको रिफंड या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मीशो ऐप ओपन करना है। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ऑर्डर्स, इसमें आपको जाना है। नेक्स्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है जो भी आपने ऑर्डर किया था। ओके, तो हमारे ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है, सक्सेसफुली हमें डिलीवर्ड हो चुका है। तो अब हम इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे, आप देखें गौर से, रिटर्न एक्सचेंज ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है रिटर्न एक्सचेंज ऑर्डर, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे का ऑप्शन है रिफंड का और जो ऊपर का है एक्सचेंज का, अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज करें या फिर रिफंड करना चाहते हैं तो रिफंड भी कर सकते हैं। रिफंड करने पर आपका आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिलहाल हम आपको एक्सचेंज का बताएंगे, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। तो एक्सचेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी एक एडिशनल कमिट, मतलब आपका जो भी कमिट है किस प्रॉब्लम की वजह से आप जो है एक्सचेंज करना चाहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर सिंपल से टाइप कर दें। चलिए हम कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एग्री का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको साइन टिक मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ऊपर दिख रहा है ऐड इमेज का, उसके ऊपर आपको भी क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना साइज़, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर चूज़ करना है कुछ भी रीज़न जिसकी वजह से आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना है, सबमिट नहीं करने से पहले आपको इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपने प्रोडक्ट लिया था उसके दो तीन इमेज आपको यहाँ पर सिंपल से ऐड कर देना है अपने कैमरे से। ओके, तो हम दो इमेज लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हमने दो तीन इमेज यहाँ पर ऐड कर ली है और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो चलिए हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और सबमिटिंग यूर रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 24 घंटे के अंदर उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज करने के लिए वो आएंगे। तो गाइस इतना ही था बताने के लिए वीडियो में, दोनों का प्रोसेस सेम होता है गाइस, रिफंड और एक्सचेंज का। उम्मीद है गाइस आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर